अर्जुन को क्रोध आता है तो अर्जुन ने क्रोध में आकर कहा कि जितना कहा जाए उतना ही करो। अब जो कहा वो गलत नहीं किया, पर जो हाथ दिखाया वो गलत कर दिया, क्योंकि भगवान ने चार वर्ण बनाए हैं कर्म अनुसार। कौन से वर्ण है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कार्य क्या थे ब्राह्मणों का? कार्य क्या था? वबे, शिक्षा। गुरुकुल में जितने भी शिक्षक थे वो सब, इसीलिए उनको इतना उच्च स्थान दिया गया कि आपके गुरु सबसे ऊपर होते हैं, जो आपको शिक्षा देते हैं उनका सबसे ऊंचा स्थान होता है। क्षत्रिय का कार्य था युद्ध करना, राजा बनना। वैश्य का कार्य था व्यापार करना, और शूद्र का कार्य था सेवा करना। अब ये चारों वर्ण में ये नहीं था कि एक ही तरफ है, इनका कार्य था, जैसे ब्राह्मण है उनका कार्य है कि शिक्षा की कमी कहीं नहीं होनी चाहिए, पूरे समाज में सब शिक्षित होने चाहिए। क्षत्रिय का कार्य था कि सबकी रक्षा होनी चाहिए, और रक्षा देख कर नहीं करते थे इसकी करना है उसकी नहीं करना है, यानी वो सिर्फ अपने लिए काम नहीं करते थे, सब सबके लिए काम करते थे। तो क्षत्रिय का कार्य था सबकी रक्षा होनी चाहिए। वैश्य का क्या कार्य था? कि धन का संचार हर जगह अच्छे से होना चाहिए, किसी के पास धन की कमी नहीं होनी चाहिए। और शूद्र का कार्य था सेवा सबकी होनी चाहिए। तो इस प्रकार भगवान ने वर्ण की शुरुआत करी थी। अब पहले लोग अपना अपना कार्य करते थे, समय समय की बात है, तो जब शुरू हुआ नियम अनुसार सब अपना अपना करते थे। तो क्षत्रिय युद्ध करते थे, बाकी कोई भी युद्ध नहीं करता था। तब क्षत्रिय जो बाण चलाते हैं तो प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, उस चक्कर में हर क्षत्रिय के अंगूठे पर एक निशान होता है। तो जब अर्जुन ने हाथ दिखाया तो जरासंघ की नजर उसके अंगूठे पर पड़ी, वो खुद भी एक क्षत्रिय है, वो पहचान गया। वो कहे तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम तो क्षत्रिय हो। ये देखकर सेना आ गई, अब उनको लग रहा है भैरुकी आए हैं, कौन है, आक्रमण करते कुछ भी हो जाए। तो पूरी सेना आ गई, जरासंघ कहे सामने आ जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कौन हो तुम सब? भगवान कहे अच्छा खासा सब चल रहा था, सब अपने असली रूप में आए। जरासंघ कहे कृष्ण क्या काम है तुम्हें? भगवान कहते युद्ध करना है, पर मल्ल युद्ध, सिर्फ मैं और तुम, सेना बीच में नहीं आएगी। वो कहे तो ये बात सीधे सीधे आके कह देते तो मैं मना कर देता क्या? अब देखिए लोग खड़े हैं तो उसको तो मौका मिल गया भगवान को नीचा दिखाने का। तो वो जोर जोर से हंसते हुए कहे पर क्या करे, इसको कोई काम सीधा करने की आदत जो नहीं है, इसने हर काम टेढ़े करे। जन्म कब लिया? मध्य रात्रि में, सबकी नींद खराब करी। थोड़ी देर रुक जाते सुबह हो जाती, पर मध्य रात्रि में जन्म लिया। कहां लिया? कारागार, जेल में, जन्म लेने की जगह है। खड़े टेढ़े होते हो, बंसी टेढ़ी रखते हो, मुकुट टेढ़ा रखते हो, काम टेढ़े करते हो, खुद का नाम भी ऐसा रखा है जिसको कहने में जीभ को टेढ़ा करना पड़े, कृष्ण। अर्जुन कहे इसीलिए कहा जाता है टेढ़े आदमी के साथ नहीं लगना चाहिए।